बालको प्रबंधन के सौजन्य से मंगल भवन में योग शिविर आयोजित हुआ। शिविर के संचालक आचार्य स्वामी तेजो मयानंद ने बालको नगरवासियों को राजयोग से परिचित कराया। बालको प्रबंधन के सहयोग से योग मित्र मंडल द्वारा आयोजित योग शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अलका रंगोले थी। बालको के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग के महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर और बालको महिला मंडल की सलाहकार श्रीमती जयश्री रामनाथन विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थी। शिविर के संचालक राजनांदगांव स्थित सत्यानंद आश्रम के आचार्य स्वामी तेजोमयानंद और अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीमती रंगोले, श्रीमती रामनाथन, संरचना महाप्रबंधक श्री नारायण बालकृष्णन, श्री धीर, योग मित्र मंडल के सचिव श्री डी के शर्मा आदि ने श्री तेजोमयानंद और उनके शिष्य श्री नारायण का स्वागत माला और पुष्पगुच्छ से किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अलका रंगोले ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग मित्र मंडल बालको के सौजन्य से यह 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। बालको इस प्रकार के शिविर समय समय पर आयोजित करता रहता है और हम सभी लोग इससे बहुत लाभान्वित होते हैं। आज के भागा दौड़ी के जीवन में योग का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इतनी भागम भाग के बाद मनुष्य को शांति आवश्यक है, जिससे कि वो पुनः दुगने उत्साह के साथ अपने काम में जुट सके। आज हमारे प्राचीन योग की तरफ एक बार फिर सभी आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। योग के प्रति ऐसी जागरूकता निश्चित ही हमारे जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाएगी, ऐसी मुझे आशा है। श्री धीर ने कहा कि योग की शिक्षा हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। योग की जो शिक्षा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ आज के जीवन में हर जगह बहुत जरूरत है कि हम अपनी जड़ से जुड़ जाएं। जैसे स्वामी जी ने कहा, अपनी जड़ को पहचानिए, उससे जुड़िए। तो हमारी जड़ हमारे अंतरात्मा है। हम बाहर का धन तो बहुत खोजते हैं, अंदर का धन सबसे ज़रूरी है, जो अपने साथ हमेशा रहता है। और योग एक ऐसी चीज़ है जो हमें मिलाती है ईश्वर से, अपनी आत्मा से। इन्होंने बहुत सही कहा, जो हमें सब को ग्रहण करना है। ये मौका आसानी से नहीं मिलता। हम सब बहुत धनी हैं या भगवान की बहुत आशीर्वाद है जो ऐसा फंक्शन हम अटेंड कर रहे हैं। इसमें डिसिप्लिन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, खुद का ही भला है। योग शिविर में श्री तेजोमयानंद ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से नागरिकों को अवगत कराया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है अष्टांग योग और उसको राजयोग भी कहते हैं। बहुत लोग तुरंत ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। ये सातवीं कक्षा है ना, एक बच्चा को जो पढ़े लिखे नहीं है, पहली कक्षा नहीं गया हो, और उसको अगर हम सातवीं कक्षा में बिठा दें तो उसका क्या हाल हो सकता है, आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति हमसे हो जाती है, क्योंकि हम ध्यान को अच्छा चीज है, जानते हैं, मानते भी हैं और करने लग जाते हैं। बाकी इसमें क्या है, आसन प्राणायाम में क्या है, भक्ति योग में क्या है, कर्मयोग में क्या है, चलो खाली ध्यान ही करते हैं, अच्छा है। किंतु ध्यान को प्राप्त करने के लिए मन की व्याधि से उठ करके जीवन की समाधि का औसर्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता चाहिए, जो माध्यम चाहिए, वही है आसन। श्री तेजोमयानंद ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के अनेक प्रकारों से बालको नगरवासियों को परिचित कराया। एड़ियों को उठाना है, हथेलियों को उठाना है, हथेलियां ऊपर दिशा की ओर करके उठाना है। अब लीजिए श्वास, उठिए, एड़ियों को उठाइए, हथेलियों को उठाइए, हथेलियां ऊपर दिशा की ओर रखिए और थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाइए ताकि कमर के दर्द भी छूट जाएगा। इसमें
उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन बालको महिला मंडल की सचिव श्रीमती नीलम पंत ने किया। योग मित्र मंडल के सचिव श्री डी के शर्मा ने आभार जताया और मंडल की गतिविधियों की जानकारी दी।